हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार वुमेन ट्रेंड्स। आज फिर से हम अपने वीडियो में एक डिज़ाइनर नेक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। डिज़ाइनर नेक बनाने के लिए फ्रेंड्स पहले हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो हमने ये अपनी कुर्ती की सिंपल कटिंग कर ली है और उसके बाद जो भी आप कलर कंट्रास्ट देना चाहे आप दूसरे कलर का फैब्रिक ले लीजिए। तो मैं क्रीम कलर की कुर्ती के साथ ये दूसरे वाले फैब्रिक का कंट्रास्ट दे रही हूँ, इसलिए हमने इस वाले फैब्रिक को लिया है। अब इसके साथ हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा दूसरा वाला फैब्रिक है उसमें से हमने ये 2 इंचेस की स्ट्रिप निकाली है और जो इसकी लेंथ है वो 10 इंचेस है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैंने 8 से 10 पट्टियाँ ली हैं, उसको हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सारी स्ट्रिप को स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब हमें एक छोटा सा स्क्रू ड्राइव लेना है और उसे इस तरह से उसकी हेल्प से हमें इन्हें सीधा करना है। इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमने इन्हें सबको आयरन कर दिया है, जिससे लगाने में आसानी हो और देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। ये आप बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं तो लगाने में आसानी होगी। अब हम अपनी कुर्ती में मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कुर्ती का सेंटर कहाँ है। सेंटर से एक टिक करेंगे और ऊपर से देखेंगे हम जितना भी हमें नेक रखना है 7 इंचेस का। 7 इंचेस से मैंने 1.5 इंचेस यानी कि 1.5 इंचेस ऊपर एक और मार्क किया है। यहाँ से हमें स्टेप लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो जितने भी एरिया में आपको डिज़ाइन डालना है आप उतने इंचेस ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, जैसे 5 इंचेस या 6 इंचेस की। मैंने यहाँ पर 6 इंचेस की लाइन बनाई है और उसके बाद 10 इंचेस की हमारी स्ट्रिप है। तो एक मार्क हम नीचे करेंगे 10 इंचेस पर और इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर बनानी है। जैसे हमने ऊपर बनाई है सेम हमें उसी तरह से नीचे बनानी है। अब उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है उसी के ऊपर स्ट्रिप को रखकर हमें इन्हें स्टिच करना है। एक के बाद एक हमें इसी तरह से सारे स्ट्रिप को स्टिच करेंगे। ऊपर से स्टिच करने के बाद सारी स्ट्रिप को ठीक वैसे ही हमें नीचे से स्टिच करनी है। जैसे हमने डार्क वाले कलर की स्ट्रिप बनाई है वैसे ही हमने लाइट वाले कलर की स्ट्रिप बनाई है और इन्हें भी हमने आयरन कर लिया है। अब हम मैट की तरह डिज़ाइन डालेंगे। जैसे हम मैट में डिज़ाइन डालते हैं एक स्ट्रिप को उठाएंगे, एक को दबाना है, एक स्ट्रिप को उठाना है, एक को दबाना है। जिस स्ट्रिप को हमने दबाया है नेक्स्ट स्टेप में हमें उसको उठाना है और दूसरे वाले स्ट्रिप को दबाना है। इसी तरह से हम डिज़ाइन को कम्प्लीट करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये नेक मैंने पहले से फैब्रिक पर सेट कर लिया है और इसको हमने सेंटर से कट कर दिया है और कुर्ती को भी हमने सेंटर से कट किया है एक हल्का सा। अब हम नेक सेट करेंगे। नेक को सेट करने के बाद उसमें हल्का हल्का सा कट देंगे। कट देने के बाद फिर हम दोनों बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। शोल्डर से जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने एक और भी स्ट्रिप ली है और इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जहाँ से हमने नेक का डिज़ाइन डालना स्टार्ट किया था वहाँ से हम इसे पाइपिंग को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम अच्छे से इसे लॉक कर लेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। और इस स्ट्रिप को मैंने डबल करके लिया है, आप देख सकते हैं मैं डबल करके सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये आता है हमारा कॉर्नर। अब कॉर्नर पर हमें अच्छे से फोल्ड करना है इसे।
यहाँ पर पॉइंट है इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, ऐसे हल्का सा खींचेंगे। पाइपिंग को मैंने हल्का सा खींचते हुए लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचा है, बस हल्के हाथों से खींचा है उसे। एक तरफ से हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर लिया, अब हम इसे दूसरी तरफ से लगाएंगे। इसे मैंने फोल्ड कर लिया है, अब हम फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों को हमारा न्यू वीडियो कैसा लगा, हमारा डिज़ाइन नेक कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।